देखिए, कल के लिए हमने कुछ प्रोसेस देखा था और कल जाते समय मैंने आप सभी को कुछ होमवर्क भी दिया था, ओके, ब्लॉक फाइंड करने के लिए। ओके, आई होप सो कि आप सभी ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा, ओके, या फिर जिन्होंने नहीं भी किया होगा वो आज कर लो, ओके। और एक और बात, जिन जिन बच्चों के पास लॉग टेबल है वो लॉग है ऐसा बोले, और जिनके पास लॉग नहीं है, ओके, मुझे देखना है आज कितने बच्चों के पास लॉग नहीं है, ओके। आप सिर्फ मैसेज कर देना, जिन जिन के पास लॉग नहीं है उन्होंने मैसेज कर दो कि आई डोंट हैव लॉग टेबल, ओके। जिनके पास है उन्होंने करो आई हैव लॉग टेबल, ओके। मुझे देखना है कितने बच्चे के पास लॉग टेबल है और कितने बच्चों के पास लॉग टेबल नहीं है, ओके। ओके ओके, तो जिन जिन के पास लॉग टेबल है, कल मैंने आपको एग्जांपल दिए थे सॉल्व करने के लिए, ओके। आई होप सो कि आप सभी ने ट्राई किए होंगे। मंदार और भी दो तीन स्टूडेंट के पास लॉग टेबल है, ओके, उन्होंने आई होप सो कि ट्राई किया होगा, ओके। 20 एग्जांपल्स दिए थे मैंने कल के लेक्चर्स में। सॉल्व हुए क्या कल के एग्जांपल्स? मंदार, कार्तिक, दैनिक, सुयश? नहीं, सुयश के पास तो नहीं है। ओके, सो देखिए, जल्दी जल्दी से जल्दी वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर लॉक टेबल्स दिखाई देगा, लॉक टेबल है, एंटी लॉक टेबल्स आपको दिखाई देगा, ओके। ओके, मंदर ने भी सॉल्व किया है, श्रेयस पाटिल ने भी सॉल्व किया है कल के एग्जांपल्स, ओके, गुड। उसके अंदर कोई डाउट्स आया क्या आपको? ओके, उसके अंदर कोई ऐसा एग्जांपल जो कि आपको समझ में नहीं आया हो या फिर उसका आंसर नहीं आया हो? मंदा, 4210 का आंसर आया क्या? कल आपने डाउट पूछा था, 4210 आया है क्या आपका आंसर? ओके, सो देखिए, जिनके पास लॉक टेबल नहीं है वो 20 एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके, ये होमवर्क है, ओके। और एक और बात, ओके, जिन जिन्होंने सॉल्व किया है वो इसे स्कैन करके मुझे मेल आईडी पर सेंड कर सकते हो, ओके। सभी स्टूडेंट्स इसके फोटोज निकालो या फिर कुछ स्कैन करो, कुछ भी कर करो, मेल आईडी पर सेंड कर देना, ओके। मेल आईडी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं। आपके चैट में एक लिंक आई है, कार्तिक ने सेंड की है, आप सब उसी पे क्लिक कीजिए तो आपको वो लॉक टेबल मिल जाएगा प्ले स्टोर पे से। ओके, टू डेसिमल का लॉक कैसे फाइंड करना है, ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है, ओके, आप सभी को, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके,
एग्जांपल्स आपने नोट कर लिए है, वो क्या है ऑप्शन। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, कार्तिक ने एक डाउट पूछा है, ओके, टू डेसिमल का लॉग कैसे फाइंड करेंगे। ओके तो देखिए दो डेसिमल का जो लॉग रहता है वो लॉग कैसे फाइंड करेंगे वो अब हम देखेंगे। ओके फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिया है 18.49। ओके 18.49 ये आपको एग्जांपल दिया है। ओके देखिए सबसे पहली प्रोसीजर क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट है, टू डिजिट है। ओके सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टू माइनस वन करेंगे। ओके सो टू माइनस वन अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, वन पॉइंट करेंगे। ओके वन पॉइंट करने के बाद आप क्या करोगे, अब ये जो 18 है ओके इस 18 को आप क्या करोगे, कहाँ पर देखोगे, मेन कॉलम्स के अंदर देखोगे। ओके 18 का मेन कॉलम, ओके एंड देन नेक्स्ट 4 का डिफरेंस कॉलम। ओके 4 को कहाँ पर देखोगे आप, डिफरेंस कॉलम। ओके एंड देन नेक्स्ट 9 कहाँ पर देखोगे, मेन डिफरेंस के कॉलम में। ओके ओके कार्तिक इसी टाइप का पूछ रहे हो ना आप, टू डेसिमल। कार्तिक शर्मा इसी टाइप का पूछ रहे हो आप, ओके तो देखिए 18.49 हमारा एग्जांपल है 18.49। सो देखिए 18 का आप क्या देखोगे आप, 18 पॉइंट। ओके पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, टू डिजिट के बाद है। ओके सो इसके लेफ्ट हैंड साइड में टू डिजिट है, तो टू माइनस वन के हमने तो वन आता है, तो वन पॉइंट लीजिए। ओके वन के बाद पॉइंट लीजिए और उसके बाद 18 का मेन कॉलम में देखिए, 4 का डिफरेंस कॉलम में, 9 का मेन डिफरेंस कॉलम में देखिए। ओके तो जल्द से जल्द आप उसे देखिए और मुझे आंसर बताइए क्या आता है। ओके ओके 18 का 4 एंड 9, ओके ओके सो देखिए यहाँ पर 18 का 4 में आता है 2648। ओके 2648 एंड देन नेक्स्ट 9 के अंदर आता है 21। ओके तो अब देखिए 21 का हम 2648 के साथ ऐड कर देंगे, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, देन नेक्स्ट 4 टू 6 की 4 प्लस 2 कितना होता है 6, देन नेक्स्ट 6 एज इट इज रहेगा, 2 भी एज इट इज रहेगा एंड ए 1 रहेगा। ओके तो देखिए आपका आंसर क्या आता है, 1.2669 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके 1.2669 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके लॉग ऑफ 18.49 इज द 1.2669 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके क्लियर है कार्तिक शर्मा, और कुछ डाउट्स है क्या कार्तिक, और कुछ डाउट्स है क्या, या फिर एनी अदर स्टूडेंट्स जिसको कुछ डाउट्स होगा लॉगरिथम्स के अंदर कुछ डाउट्स है क्या, क्योंकि आज मैं एंटी लॉगरिथम स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके अगर आप सभी को लॉगरिथम्स अगर क्लियर है, ओके लॉगरिथम्स अगर आपको क्लियर है तो ही मैं एंटी लॉगरिथम स्टार्ट करूंगा। ओके अगर लॉगरिथम्स के अंदर अगर आपको कुछ डाउट्स है तो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके विदाउट योर क्लैरिफिकेशन आई डोंट स्टार्ट टू एंटी लॉगरिथम्स। ओके लॉगरिथम्स क्लियर होने के बाद एंटी लॉगरिथम्स। ओके अक्षय गिरा से ने एक डाउट पूछा है, ओके 0.003456 का लॉग, ओके एंड देन नेक्स्ट 0.5649 पंकज काट कर, ओके जस्ट अ सेकंड, ओके वन मिनट के लिए वेट कीजिएगा। ओके सो जस्ट एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा, मैं आपको सभी को क्लियर कर देता हूँ।
ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स. ओके सो देखिए सबसे पहला डाउट किसने पूछा था, अक्षय गीरा से. ओके 0.003456. ओके ओके 0.003456. ओके 0.003456. ओके सो देखिए अब इसका क्या करना है, हमें लॉग फाइंड करना है. ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉइंट देखिए, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितने डिजिट है. सो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट है, जीरो डिजिट है. सो 0-1 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा. ओके 0-1 अगर आप करते हो, ओके तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा. ओके तो -1 पॉइंट आएगा अभी यहाँ पर. ओके अब देखिए 0.003456 है. ओके तो देखिए 0.003456 है, बट अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, 0 0 का तो लॉक, तो लॉक टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है. तो आप क्या करोगे, 34 को कहाँ पर देखोगे, मेन कॉलम में देखोगे. ओके 34 को मेन कॉलम में देखो, देन नेक्स्ट 5 को डिफरेंस कॉलम में देखो. ओके एंड देन नेक्स्ट 6 को मेन डिफरेंस के कॉलम में देखो. ओके इतना कर लो, 34 को मेन कॉलम में, 5 को डिफरेंस कॉलम में एंड 6 को मेन डिफरेंस के कॉलम में. ओके उसके बाद आंसर बताओ क्या आता है. ओके थर्टी फोर को मेन कॉलम में देखो. ओके 34 का मेन कॉलम में क्या आता है, 34 एंड देन नेक्स्ट 5 के डिफरेंस कॉलम में. ओके 34 एंड 5 तो ये आता है 5378. ओके 5378 एंड देन नेक्स्ट 6 के मेन डिफरेंस के कॉलम में. ओके 8 आता है 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में. ओके अब इन्हें ऐड कर दो, 8 को इसके साथ ऐड करो. सो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 कैरी 1. 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8. 3 एज इट इज 5 एज इट इज 0.1 माइनस 1.5386 आएगा. ओके क्लियर है, किसने पूछा था. अक्षय गिरा से क्लियर है क्या, अक्षय. अक्षय गिरा से आपने डाउट पूछा था 0.003456 क्लियर है क्या. नो सर फाइनल आंसर क्या है. ओके फाइनल आंसर -1.5386 आएगा. जस्ट अ सेकंड के लिए वेट कीजिएगा.
ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. हाँ मंदा ने क्या पूछा है, अक्षय कह रहा है कि नो फाइनल आंसर क्या है. ओके देन नेक्स्ट मंदा सर टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके माइनस वन. देखिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस वंस अगेन. हाँ ओके. हाँ मंदा ने क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके माइनस वन करना है ना, तो आंसर में माइनस 1.5686 कैसे आया. ओके तो देखिए अपने जो ऐड क्या करना है, 8 को ऐड करना है. ओके सो देखिए माइनस 1.5378. ओके अगर बेसिकली अगर देखा जाए ओके ये जो लॉग है 0.003456. ओके ये देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स के बाद दो जीरो दिए. ओके सो पॉइंट के बाद दो जीरो देने की वजह से इसका जो मेन आंसर जो जाता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स, ओके अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स इसका आंसर जाता है आई थिंक -2.44 या फिर 24 ऐसा कुछ तो भी आएगा. ओके अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. ओके अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मीन्स व्हाट, जो कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर एक लॉगरिथम नाम का एक सेपरेट आपको लेसन दिया हुआ रहता है. ओके सो लॉगरिथम्स के अंदर आपको बाय यूजिंग लॉगरिथमिक रूल, ओके सो लॉगरिथमिक के रूल आपको यूज करने के बाद आपको लॉग बेस 2 to the 10, ओके लॉग ऑफ बेस 10 देन नेक्स्ट 0.003456. ओके वो लॉगरिथम्स का रूल्स यूज करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाता है, -2.4424. ओके और ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम लॉग टेबल के थ्रू सॉल्व नहीं होगा. ओके अगर लॉग टेबल के थ्रू अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर -1.5386 आएगा. ओके अगर आप लॉग टेबल से इसे सॉल्व करोगे तब आपका -1.5386 आएगा. ओके बट बाय द यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, ओके लॉग लॉगरिथम्स के जो रूल्स रहते हैं ओके उसके बहुत सारे रूल्स रहते हैं वो आपको मैथमेटिक्स के लेसन मैथमेटिक्स के बुक्स के अंदर आपको दिखाई देगा. लॉगरिथम्स नाम का आपको एक सेपरेट चैप्टर रहता है वहां पर आपको बहुत सारे रूल्स दिए हुए रहते हैं. लॉग ऑफ ई क्या रहता है, लॉग ऑफ ए रेस्ट टू एम क्या रहता है, वो सारे सारे रूल्स आप देखने के बाद अगर उसे मैथमेटिकली प्रोसेस के अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर -2 point something आएगा. ओके क्योंकि ये टिपिकल केस है. ओके ये लॉग टेबल्स के थ्रू सॉल्व नहीं होता, लॉग टेबल के थ्रू अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आपका आंसर -1.5386 आता है. ओके अक्षय गिरा से जस्ट अ सेकेंड. अक्षय गिरा से क्लियर है क्या? ओके अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ओके जब आपका मैथमेटिक्स का लॉगरिथम्स का लेसन स्टार्ट हो जाएगा तब आपको एक ही समझ में आ जाएगा. ओके फिलहाल हम फिजिक्स के लिए लॉग टेबल पढ़ रहे हैं. ओके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड अदर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के लिए. ओके वो लॉगरिथम की सेपरेट केस रहती है लॉगरिथम्स लेसन के अंदर. ओके अब अगर वो अगर आप पढ़ाएंगे लॉगरिथम्स के रूल तो आपका लॉग टेबल कंप्लीट होने में कम से कम 1 month का टाइम लगेगा. ओके 0.003456 according to log table आपका आंसर आता है -1.5386. ओके देन नेक्स्ट और क्या डाउट पूछा था. देन नेक्स्ट पंकज ने पूछा था 0.5649. ओके 0.5649. ओके सो देखिए 0.5649 ये जो एग्जांपल है. ओके 0.5649. ओके देखिए बहुत सिंपल है ये पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट दिए यहाँ पर सिर्फ जीरो डिजिट है. सो जीरो माइनस वन करो आपका आंसर क्या आएगा माइनस वन आएगा. जीरो माइनस वन करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा माइनस वन आएगा. सो माइनस वन आपने लिया तो माइनस वन के बाद पॉइंट दो यहाँ पर देन नेक्स्ट 56 एंड 49 है. सो 56 मेन कॉलम में देखो 4 को डिफरेंस कॉलम में देखो एंड देन 9 को मेन डिफरेंस कॉलम में देखो. ओके जल्दी जल्दी देखो 56 49. ओके 56 का
डिफरेंस में 56 को 4 के कॉलम में आता है 7513 ओके एंड देन नेक्स्ट 9 के कॉलम में आता है 7 ओके सो देखिए 7513 प्लस 7 ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.7520 ओके -1.7520 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके मंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके माइनस वन करना है ना तो ओके सो देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट किससे लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करने हैं जीरो पॉइंट से। यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ पर है पॉइंट यहाँ पर है इस एग्जांपल के अंदर पॉइंट कहाँ पर है यहाँ पर है पॉइंट पॉइंट को अच्छे से देखो यहाँ पर नहीं है पॉइंट पॉइंट यहाँ पर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में आपको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं। पॉइंट यहाँ पर होता तो आप थ्री से करते ओके बट पॉइंट यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर ओके कंफ्यूज मत हो मंदार। ओके सो 0.5649 क्लियर है क्या किसने पूछा था पंकज ने पूछा था पंकज क्लियर है क्या आपका डाउट स्क्रीन इज स्टॉप ओके जस्ट अ सेकेंड शायद आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। बाकी स्टूडेंट को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या ओके सो देखिए श्रेयस पाटिल शायद आपका नेटवर्क का इशू होगा बाकी स्टूडेंट को अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रहा है ओके एंड देन नेक्स्ट और क्या डाउट था किसी ने एक और भी डाउट पूछा था समीन ने पूछा था ओके तो देखिए समीन आपका डाउट लेता हूं मैं 0.8468 ओके सो 0.8468 इज इक्वल टू ओके सो देखिए 0.8468 जो है ओके अब देखिए 0.8468 पॉइंट कहां पर है यहां पर है